सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है गणेश चतुर्थी। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, लेकिन भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी माना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन लोग गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं और 10 दिनों तक उनकी सेवा की जाती है। इसके बाद चतुर्दशी को भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ यह प्रार्थना भी की जाती है कि हे गणपति बप्पा, अगले वर्ष जल्दी आना। वैसे तो यह त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह उत्सव महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कुछ भक्तजन गणेश चतुर्थी पर अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा बिठाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। गणेश चतुर्थी तक रथ जग्गा, गणेश भगवान के भजन, अखंड दीपक और पूजा पाठ चलता है। मान्यता है कि गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पावन पर्व शुक्रवार 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा। 11 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव का समापन 21 सितंबर को होगा। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का पूजा मुहूर्त और पूजा विधि। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 9 सितंबर रात 12:17 पर होगा और इसका समापन 10 सितंबर की रात्रि 10 बजे होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मध्याह्न काल गणेश पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दौरान विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल में 11:03 से 1:33 तक है, यानी 2:30 तक है। मान्यता है कि विधिवत भगवान श्री गणेश की पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। पूजा के लिए गणेश जी की प्रतिमा, जल, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत, कलावा, जनेऊ, इलायची, नारियल, चांदी का वर्क, सुपारी, लौंग, पंचमेवा, घी, कपूर, पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, गंगा जल आदि सामग्री इकट्ठा कर ले। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा के स्थान और मंदिर को साफ कर ले। इसके बाद गणेश जी को दुर्वा घास अर्पित करें। भगवान श्री गणेश के प्रिय मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। गणेश उत्सव के दौरान गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश जी की आरती, संकट नाशन गणेश स्तोत्र आदि का पाठ करें। अपनी श्रद्धा अनुसार गणपति के मंत्र का जाप करें और रोजाना सुबह और शाम उनकी आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश परिवार के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम गण गणपते नमः। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।